भारत को चाइनीज माल का कवाड़ नहीं बनने देंगे। हर स्तर पर चाइनीज माल का बहिष्कार करके आर्थिक तौर पर धोखेबाज चीन को सबक सिखाया जाएगा। मंडी में विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले चाइनीज माल का बहिष्कार, स्वदेशी अपनाने और गलवान घाटी में जिन सैनिकों ने अपना बलिदान दिया उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत जहाँ चाइनीज कवाड़ को आग के हवाले किया गया, वहीं स्वदेशी को अपनाने की अपील की गई। इस अपील के साथ गलवान घाटी में बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी गई। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हरमीत सिंह बिट्टू ने कहा कि भारत देश सोने की चिड़िया थी तथा उसे भविष्य में भारत को विश्व गुरु सोने की चिड़िया ही बनाया जाएगा। पड़ोसी देश चीन जो नकली माल तैयार करके हिंदुस्तान को कवाड़ के ढेर में तकदीर करना चाहता है, उनके मंसूबे को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। चाइनीज माल का हर स्तर पर बहिष्कार किया जाएगा तथा चीन को आर्थिक तौर पर इतना कमजोर करना है कि उसे अपनी औकात समझ में आ जाए। उन्होंने कहा कि चीन हमेशा धोखा देता आया है तथा दूसरे देशों की जमीन पर अतिक्रमण करना उसकी फितरत बन गई है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एकजुट होकर चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष NR ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए स्वदेशी अपनाना होगा। यदि हम स्वदेशी अपनाएंगे तो भारत देश आत्मनिर्भर बनकर विश्व शक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगा। उन्होंने कहा कि देश का हर नागरिक सैनिकों का सम्मान करता है तथा जिन सैनिकों ने सरहदों पर भारत माँ की रक्षा करते हुए बलिदान दिया है उन्हें नमन करता है। इससे पूर्व चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चाइनीज का पुतला व माल को जलाकर उसका विरोध किया गया। इस अवसर पर RSS के जिला व्यवस्था प्रमुख पवन मीनाश, जिला प्रचार प्रमुख हेमंत कुमार, बिशप नामधारी संगत से सतविंदर सिंह, सादा सिंह सुबह गुरमीत सिंह, नीलधारी संगत से विश्वेश्वर सिंह, गुरबचन सिंह गुरु की फौज से गुरदीप सिंह, सनातन धर्म सभा से रवि वैद्य, वीर मंडल से परमार चंद्रशेखर वैद्य, नागरिक सभा से OP कपूर, कार सेवा से भाई नारायण सिंह व मिंटू, भाजपा के मंडल अध्यक्ष मनीष कपूर, महामंत्री पुष्कराज कात्यायन सहित बड़ी तादाद में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। मैं लोगों से आह्वान करूंगा कि कभी भी चाइना का सामान खरीदने से पहले कृपया अपने इन शहीदों की शहादत को ना भूलें। मैं नहीं कहता कि आप चाइना का सामान का आज ही बहिष्कार कर दो, लेकिन कहीं ना कहीं से एक शुरुआत तो होनी चाहिए। मैं कहता हूं आप शुरुआत करिए और इसको चरणबद्ध तरीके से बहिष्कार करिए। इसका जो चीजें आप तत्काल में छोड़ सकते हैं उनको तत्काल छोड़ दीजिए। जो चीजें आपकी, क्योंकि आपको पता है चाइना का सामान इसलिए सस्ता होता था क्योंकि ये कम गुणवत्ता वाला सामान है। कम गुणवत्ता वाले सामान के को लाकर इसने प्रतिस्पर्धा पैदा की और हमारा जो स्वदेशी सामान था उसको पिछाड़ा। जब तक हम इस कम गुणवत्ता वाले सामान के बारे में लोगों को नहीं बताएंगे तब तक ये सामान के बारे में लोगों को पता नहीं चलेगा। मैं व्यापारी भाइयों का भी आह्वान करता हूं कि जो भी उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है उसको कंज्यूम कर लें, उपभोक्ताओं के पास जिनके पास जो सामान पड़ा हुआ है उसका उपयोग कर लें, लेकिन उसको रिप्लेस मत करें चाइना के साथ। जब भी वो सामान खराब हो, कोई भी वस्तु घर के इस्तेमाल की हो, उसको स्वदेशी पे जाएं और ज्यादातर हो सके तो जो ग्रामीण में क्षेत्र में हमारे वस्तुएं बनती हैं सबसे पहले उनको प्रोत्साहन दें ताकि हमारी ग्रामीण आर्थिकी सुदृढ़ हो, हमारे देश की आर्थिकी सुदृढ़ हो। जब हमारा सामान स्वदेशी बिकेगा तो जाहिर सी बात है हमारी GDP भी जो है वो सुदृढ़ होगी और